हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोहक इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1G से क्वेश्चन 7। यहाँ पे हमें सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन है 32/343 की होल पावर -4/5। इसे हमें सिंपलीफाई करना है। नंबर सिस्टम चैप्टर 1 से ये क्वेश्चन हमने लिया है। क्लास 9 की बुक है फ्रेंड्स, मैथ्स की, RS अग्रवाल, V अग्रवाल की। चलिए तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हम इसे प्रैक्टिस करेंगे एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गिवन है 32/343। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन बुक से। ओके, यहाँ पे फ्रेंड्स 343 नहीं है, 243 है, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। इसमें होल पावर गिवन है -4/5। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। इसी तरीके से 243, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5 की होल पावर -4/5 ऑलरेडी गिवन है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पावर सेम है, देन हम होल पावर भी लगा सकते हैं 2/3 की होल पावर 5। इस तरह हमने लिख दिया इसको कन्वर्ट करके, एन होल पावर -4/5 ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे हम फ्रेंड्स रीज़न दे सकते हैं, जब ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर, सॉरी यहाँ पे बी की पावर एम हो जाता है। मीन्स नंबर अलग अलग होते हैं लेकिन पावर सेम होती है। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, ए अपॉन बी की होल पावर एम, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने किया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या मिलेगा हमें, 2/3 की होल पावर 5 इंटू में -4/5। यहाँ पे क्या हुआ है, जब ए की पावर एम की होल पावर एन होता है तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है। ओके, यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 2/3 की होल पावर -4। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2/3 की होल पावर -4। फ्रेंड्स अब यहाँ पे पावर माइनस पे हैं, देन क्या होगा, 3/2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा एंड पावर प्लस में मिल जाएगी। जब ए अपॉन बी की पावर अगर माइनस एम है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे बी अपॉन ए, इसका रेसिप्रोकल हो गया और पावर प्लस में हो गई। ओके फ्रेंड्स यही चीज़ यहाँ पे हो गया है। अब हम इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, 3/4/2। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, जब ए अपॉन बी की होल पावर एम होता है तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम अपॉन में बी की पावर एम, इस तरीके से हो जाता है। एंड यहाँ पे 3/4, दैट मीन 3 × 3 × 3 फोर टाइम अपॉन में 2/4, 2 × 2 × 2 फोर टाइम्स इज इक्वल टू 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81 अप॔न में 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 8 × 2 = 16। सो आंसर हमें क्या मिल गया फ्रेंड्स, 81/16। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं वीडियो में। यहाँ पे फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप हो गया, और इसके बाद से ये 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप 7 स्टेप और यहाँ पे लास्ट में आंसर, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरीके के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।